नजर डालते हैं दिलचस्प और अजीब खबरों पर। हम जानते हैं कि मक्खियां जब बाग में जाकर वापस आती हैं तो छत्ते के पास आर्ट की शक्ल में रक्स करती हैं, जिससे वो रस से भरे फूल की निशानदेही करती हैं। तमाम बच्चा मक्खियां डांस का ये अमल अपनी बड़ी बूढ़ी मक्खियों से सीखती हैं। मक्खियों का रक्स इनके लिए बहुत काम आता है। इससे वो न सिर्फ फूलों का रुख, फासला और दीगर तफसीलात जाहिर करती हैं, बल्कि रस के लजीज होने की इतला भी देती हैं। अब साइंस नामी जर्नल में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मक्खियाँ पैदाशी तौर पर रक्स नहीं जानती, बल्कि बच्चे मक्खियां पहले शहद की बड़ी मक्खियों को देखकर नाच के हुनर सीखती हैं। जामिया कैलिफोर्निया सैनडिएगो के प्रोफेसर जेम्स साइनाइन ने अपने मकाले में लिखा है कि गलतियों से बचने के लिए नई मक्खियां अपने बड़ों से सीखती हैं। अगरचे समाजी तौर पर सीखने का यह अमल बड़े दिमाग वाले जानवरों, मसलन बंदरों और परिंदों में देखा जा सकता है। अगरचे मक्खियों का दिमाग छोटा होता है, लेकिन साथ मिलकर वो गैर मामूली काम अंजाम देती हैं, जिनमें रक्स जैसा पेचीदा अमल भी शामिल। शादी के बाद खवातीन शोरों के घरों में मुंतकिल होती हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि एक मुस्लिम मुल्क में रिहाइश पसीर बिरादरी में इससे उलट होता है। जी हाँ, इंडोनेशिया के खेते मगरी समाटरा की मनांग बिरादरी में खवातीन जिंदगी के हर मामले को कंट्रोल करती हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, इससे कितने नजर इस बिरादरी में अबाई जायदाद जैसे खेत और घर वगैरह की मालकियत बेटियों को मुंतकिल होती है, जहाँ बच्चों के नाम की आके वालदा का नाम लिखा जाता है, जो कि मर्दों को बीवी के घर में मेहमान तस्वर किया जाता है। इस बिरादरी में मुसलमानों की अक्सरियत हैं, मगर यहाँ शादी के बाद शोर दुल्हन के अबाई घर मुंतकिल होकर अपनी ससुराल के साथ रहता है। जहेज का मुतालबा भी दुल्हन के खानदान की जानिब से लड़के की तालीम और पेशी को देखकर किया जाता है। जहां तक कि शादी की पेशकश भी मर्दों की जगह खवातीन की जानिब से की जाती है। खानदानों की सरबराह खवातीन तनाजात को हल करने का भी काम करती हैं। अलबत्ता मर्दों को ही रोजगार से बच्चों की परवरिश करना होती है, मगर वो घरेलू उम्र में कोई राय देने का हक नहीं रखते। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दुनिया भर में रोजाना करोड़ों या अरबों अफराद गाड़ी पर सफर करते हैं, मगर हैरान कुन तौर पर बेशतर अफराद को गाड़ी के अंदर छुपे चंद हैरत अंगेज फीचर्स का मकसद ही मालूम नहीं होता। इनमें से एक फीचर रियर व्यू मिरर में छुपा है, जो आंखों के सामने होता है, मगर फिर भी बेशतर अफराद को इसका इल्म नहीं। यह है रियर व्यू मिरर का टैब, जो ड्राइवर की हिफाजत के लिए आम साबित हो सकता है। अगर आप रियर व्यू मिरर की जानिब देखें तो आपको इसके नीचे एक स्याह रंग का टैब या क्लिप नजर आएगा, मगर बेशतर अफराद को मालूम नहीं कि यह टैब या क्लिप नाइट टाइम मूड के तौर पर काम आता है। इस टैब से रात के वक्त पीछे मौजूदा गाड़ियों की हेडलाइट्स की चमक से आंखों में चिदियाने से बचत मिलती है। यह टैब पीछे मौजूद गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी के बेहतर हिस्से को मुनक्किस करता है, ताकि रोशनी के बावजूद आंखों को पीछे मौजूद गाड़ी नजर आ सके।